एक अंधेरी रात थी, चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। सीमा तेजी से चल रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसके कदमों की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। अचानक उसे एक पुरानी और खंडहर हवेली दिखी। हवेली के दरवाजे अजीब तरह से खुले हुए थे, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। सीमा घबराई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था और ठंडी हवा के साथ एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। तभी उसे अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज तेज होती जा रही थी। वह डरते हुए आगे बढ़ी और तभी अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई बिना पैरों के एक बूढ़ी औरत तैरती हुई दिखाई दी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और वह भयानक आवाज में बोली, तुम यहां से वापस नहीं जा सकती। सीमा की चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज गई और उसके बाद वहां सिर्फ सन्नाटा रह गया।